महबूबा मुफ्ती साहिबा को आदत है वो मतलब अजीब अंदाज में तकरीर करती हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा को तो पहले मैं इस चीज का याद दिलाऊं कि हम एनडीए के हिस्से जरूर रहे लेकिन हमने बीजेपी को कभी जम्मू कश्मीर में एंट्री करने नहीं दी। हम एनडीए में रह के भी हमने जम्मू की पार्लियामेंट सीट जो है बीजेपी से छीनी थी, हमने उनको जम्मू का पार्लियामेंट सीट जीतने नहीं दिया। कश्मीर तो दूर की बात, बीजेपी को लाने वाले जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कौन है। बदकिस्मती से महबूबा मुफ्ती को बजाय ये कि वो लोगों से 2014-15 की माफी मांगे, वो अपने गुनाहों को जो है वो हमारे जिम्मे ठहराने की कोशिश कर रही है। पार्लियामेंट के नतीजे शायद उनको अभी तक भूले नहीं, उनको याद करना चाहिए कि लोग चाहते हैं कि पहले 15-16 के जो उनके कारनामे हैं की बात है। वजीर आजम साहब को अब जम्मू कश्मीर आके कोई नई बात करनी चाहिए, लोग अब ये तीन खानदान सुन के थक गए हैं। कोई तो नया डायलॉग आए, कोई नई बात हो, कोई ऐसी बात जो जम्मू कश्मीर के लिए ठीक रहे। ये तीन खानदान जो है ये हर इलेक्शन में सुनते हैं, लोग भी अब इन बातों को सुन के थक गए हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा को आदत है वो मतलब अजीब अंदाज में तकरीर करती हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा को तो पहले मैं इस चीज का याद दिलाऊं कि हम एनडीए के हिस्से जरूर रहे लेकिन हमने बीजेपी को कभी जम्मू कश्मीर में एंट्री करने नहीं दी। हम एनडीए में रह के भी हमने जम्मू की पार्लियामेंट सीट जो है बीजेपी से छीनी थी, हमने उनको जम्मू का पार्लियामेंट सीट जीतने नहीं दिया। कश्मीर तो दूर की बात, बीजेपी को लाने वाले जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कौन है। बदकिस्मती से महबूबा मुफ्ती को बजाय ये कि वो लोगों से 2014-15 की माफी मांगे, वो अपने गुनाहों को जो है वो हमारे जिम्मे ठहराने की कोशिश कर रही है। पार्लियामेंट के नतीजे शायद उनको अभी तक भूले नहीं, उनको याद करना चाहिए कि लोग चाहते हैं कि पहले 15-16 के जो उनके कारनामे हैं की बात है। वजीर आजम साहब को अब जम्मू कश्मीर आके कोई नई बात करनी चाहिए, लोग अब ये तीन खानदान सुन के थक गए हैं। कोई तो नया डायलॉग आए, कोई नई बात हो, कोई ऐसी बात जो जम्मू कश्मीर के लिए ठीक रहे। ये तीन खानदान जो है ये हर इलेक्शन में सुनते हैं, लोग भी अब इन बातों को सुन के थक गए हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा को आदत है वो मतलब अजीब अंदाज में तकरीर करती हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा को तो पहले मैं इस चीज का याद दिलाऊं कि हम एनडीए के हिस्से जरूर रहे लेकिन हमने बीजेपी को कभी जम्मू कश्मीर में एंट्री करने नहीं दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।